बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसबीआई कार्ड और रिलायंस रिटेल की साझेदारी, रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बना है कार्ड। सेंसेक्स में जारी रहा तेजी का सिलसिला, 595 अंक का उछाल। देश की सबसे बड़ी एड टेक कंपनी बायजूस अमेरिका में किड्स डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक क्रिएशंस इंक को 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए में बेचने वाली है। इस डील को लेकर जॉफर कैपिटल के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ये डील होने पर बायजूस को विवादित 1.2 अरब डॉलर करीब 9,960 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि एपिक के लिए डील को इसी महीने अंतिम रूप दिया जा सकता है। बायजूस ने 2021 में एपिक को 50 करोड़ डॉलर करीब 4,150 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि उसने लाखों ग्राहकों को बैंक के डिजिटल रूपी ऐप का उपयोग करके किसी भी व्यापारी क्यूआर कोड को भुगतान करने में सक्षम बनाया है। इस ऐप का नाम डिजिटल रूपी बाय आईसीआईसीआई बैंक है। बैंक ने अपने डिजिटल रूपी ऐप को यूपीआई इंटरऑपरेबल बनाकर यह संभव कर दिया है। इस इंटीग्रेशन से कस्टमर मर्चेंट आउटलेट्स पर मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करने और डिजिटल रूपी ऐप के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही यह व्यापारियों को उनके मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड पर डिजिटल रूपी भुगतान स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने डिजिटल रूपी ऐप पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत ग्राहकों को लचीलापन और सुविधा प्रदान करती है। सरकार अपनी फेमस आयुर्वेद दवा कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन यानी IMPCL को बेचने जा रही है। सरकार के इस कंपनी को खरीदने के लिए एक तरफ देश की पुरानी आयुर्वेद कंपनी बैद्यनाथ ग्रुप ने इच्छा जताई है, तो वहीं मैनकाइंड फार्मा ने भी रुचि दिखाई है। इन दोनों कंपनियों ने सरकार की इस दवा कंपनी को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जमा कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की इस कंपनी को खरीदने के लिए दो और कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है। इनमें से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और दूसरी एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है। दरअसल सरकार की इस दवा कंपनी ने साल 2022 में 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं मुनाफे की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 25% था। सरकार के इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी। SBI कार्ड ने देश के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस रिटेल के साथ हाथ मिलाकर रिलायंस SBI कार्ड लॉन्च किया है। पर्यावरण के प्रति जागरूक नजरिए के साथ इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, जो 100% रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बना है। उद्योग जगत के दो दिग्गज संस्थानों के बीच परस्पर तालमेल पर आधारित इस गठबंधन का उद्देश्य SBI कार्ड के व्यापक नेटवर्क तथा रिलायंस रिटेल के ग्राहकों तक पहुंचकर लाभ उठाना है। इस अवसर पर रिलायंस रिटेल लिमिटेड के डायरेक्टर वी सुब्रमण्यम ने कहा कि हमने SBI कार्ड के साथ मिलकर क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है, जो हमारे इस संकल्प की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। SBI कार्ड के साथ साझेदारी करना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा और मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 595 अंक का उछाल आया। निफ्टी भी 19,400 अंक के ऊपर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में अनुकूल रुख के बीच IT निजी बैंक और पूंजीगत सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी के साथ बाजार मजबूत हुआ। तेज शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 594.91 अंक उछलकर 64,958.69 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181.15 अंक की तेजी के साथ 19,411.75 अंक पर बंद हुआ। स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स और टाइटन में गिरावट रही। अमेरिका में नौकरियों में कम वृद्धि तथा फेडरल रिजर्व अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के आक्रामक रुख में नरमी आने की संभावना से बाजार में उम्मीदें बनी हुई है। चूंकि ज्यादातर चुनौतियां वैश्विक है, ऐसे में निवेशकों की धारणा अब घरेलू कंपनियों की ओर है। घरेलू बाजार में त्योहार को लेकर मांग अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। SBI कार्ड और रिलायंस रिटेल की साझेदारी, रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बना है कार्ड। सेंसेक्स में जारी रहा तेजी का सिलसिला, 595 अंक का उछाल। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज। नमस्कार।